जी तो हम जी रहे हैं 2022 में, और 2022 यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि इस दौर के बच्चे इतने तेज़ हो गए कि इनको देख के मुझे ख्याल आता है कि काश जब मैं इनकी एज की थी तो मैं इतनी ही तेज़ होती तो पता नहीं आज मैंने कितनी तरक्की कर ली होती। बहरहाल तरक्की अभी भी बहुत की है, लेकिन ये बच्चे वो हैं जो कि हमारा मुस्तकबिल हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारा मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं। लाइक हमने कुछ दिनों पहले आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी एलन मस्क के हवाले से, जिन्होंने रोबोट तैयार किया था। तो सिर्फ वो वहाँ बैठे रोबोट तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ कराची में, पाकिस्तान में नन्हे मुन्ने बच्चे इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि इनको देख के बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर होंगे। इनको देख के वो वालदैन जो ये सोचेंगे कि हमने अपने बच्चे को सिर्फ डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या हमने अपने बच्चे को एक बिजनेसमैन बनाना है, वो ये सोचेंगे कि नहीं, हमने अपने बच्चों को इनकी तरह एक ऐसा बच्चा बनाना है जो कि रोबोट बनाए, क्योंकि भाई अब रोबोटिक ज़माना है, हर काम रोबोट करते आ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि खबरें भी अब रोबोट पढ़ना शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी ख़तरा महसूस होने लगा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जिन बच्चों से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनमें जो सबसे छोटी बच्ची है वो बहुत ही छोटी है। लाइक मैंने उसे जब देखा तो मैं हैरान रह गई थी, और मेरे साथ मौजूद भी है, ज़रा बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। क्या नाम है आपका? नटालिया टेप। अच्छा, मुझे बताया कि एज क्या है? 5 ईयर्स। 5 ईयर्स, 5 साल के बच्चे इतना माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने क्या तैयार किया है? मैंने कॉफी मेकर तैयार किया है। थोड़ा सा दिखाएंगी मुझे?